डेटर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए आप क्रेडफ्लो का कलेक्ट मेन्यू का यूज़ कर सकते हैं। डेटा के कॉन्टैक्ट्स अपडेट करने के लिए एडिट कॉन्टैक्ट ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं, जो आपके हर कार्ड पे अवेलेबल होता है। एडिट कॉन्टैक्ट में सबसे पहला ऑप्शन आपको पेमेंट टर्म्स का मिलता है, जिसमें आप पेमेंट टर्म्स मेंशन कर सकते हैं जो भी आपको क्रेडफ्लो में मेंशन करना है। अकाउंट मैनेजर में आप ये कंपनी किसी अकाउंट मैनेजर को असाइन कर सकते हैं। प्राइमरी मोड ऑफ कम्युनिकेशन में आपको किस मोड से आपको ऑटोमेटेड रिमाइंडर भेजना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास तीन मोड अवेलेबल हैं, ईमेल, एसएमएस एंड आईवीआर। नीचे आपको ऑटोमेटेड रिमाइंडर भेजना है, तो आपसे दो तरह से आप ऑटोमेटेड रिमाइंडर भेज सकते हैं, आइदर फ्रीक्वेंसी वाइज और डेट वाइज। फ्रीक्वेंसी वाइज में आप फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट कर सकते हैं कि इतनी फ्रीक्वेंसी बाद डेटर को वापस से रिमाइंडर मिलता रहेगा। आइदर डेट वाइज आप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आप नंबर ऑफ डेज सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस किस डेट मंथ के डेट पे आपको उनको रिमाइंडर भेजना है। क्रेडिट कंट्रोल का फीचर आप अपने डेटर्स के एक्सटेंडेड क्रेडिट पे कंट्रोल लगाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे आप मैक्सिमम नंबर ऑफ ओवरड्यू डेज आप लिमिट लगा सकते हैं एंड कितने आउटस्टैंडिंग आपको इनको अलाउ करनी है वो लगा सकते हैं। कोई भी एक अगर नंबर अगर एक्सीड करता है उस डेटर पे, तो आपको नई इनवॉइस जनरेट करने टाइम आपको एक ईमेल अलर्ट मिल जाता है। कॉन्टैक्ट्स अपडेट करने के लिए आप नीचे कॉन्टैक्ट्स अपडेट कर सकते हैं। आप मैक्सिमम 5 कॉन्टैक्ट्स आप डाल सकते हैं। किसी भी कॉन्टैक्ट को अपडेट करने के लिए आप यहाँ पे एडिट कॉन्टैक्ट का यूज़ करके इसको आप सेव कर सकते हैं।